वेलकम बैक एवरीवन, स्वागत है आप सभी का। सो गाइज, प्रीवियस वीडियो में जो मैंने आपको दिखाया था कि जब हम इस ग्रिड व्यू पे क्लिक कर रहे थे, जो वैल्यू थी वो इस यहाँ पे जो टेक्स्ट बॉक्स है आपके लेफ्ट हैंड साइड में, इसमें वो सही तरीके से प्रॉपर वे में नहीं आ रहा था। जैसे कि अगर मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ तो आप देख सकते हैं प्रोडक्ट आईडी तो ठीक दिखा रहा है, बट प्रोडक्ट का नेम भी आपको सही दिखा रहा है, बट यहाँ पे आई पावर में भी आपको प्रोडक्ट नेम, ग्लास टाइप में भी आपको प्रोडक्ट नेम दिखा रहा है, फ्रेम में भी आपको, फ्रेम टाइप में भी प्रोडक्ट का नाम जो है वो डिस्प्ले हो रहा है, और प्राइस में भी आपको प्रोडक्ट का नाम डिस्प्ले हो रहा है। तो बेसिकली ये जो मिस्टेक था ये हो कहाँ रहा था, मैं आपको बताता हूँ। जैसे कि जब अगर हम इसे सर्च करते हैं तब ये आपको नहीं, इस तरीके से नहीं दिखाई देता, तब आपको ये सही वे में दिखाएगा। अगर आप सर्च करोगे तब आपको प्रॉपर वे में यहाँ पर इन्फॉर्मेशन मिल रही है, बट अगर आप जैसे सेल पर क्लिक करते हो तो हो क्या रहा है कि जो प्रोडक्ट का नाम है वही मल्टीपल टेक्स्ट बॉक्स में यहाँ पर डिस्प्ले किया जा रहा है। अच्छा, ये जो है मैं आपको बता दूँ, अगर आपको याद होगा, पहले तो मैं इसे स्टॉप कर देता हूँ। जब हम ग्रिड व्यू को सेलेक्ट करते थे और ग्रिड व्यू के जो सेल क्लिक नाम का जो इवेंट था, सेल क्लिक, यहाँ पे जब हम चलेंगे तो गाइज़ यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे हो क्या रहा था कि यहाँ पे जो इंडेक्स की जो वैल्यू आप देख रहे हो यहाँ पे, मतलब जीरो इंडेक्स पे आपका होगा प्रोडक्ट आईडी, वन पे होगा प्रोडक्ट नेम। ठीक है, तो यहाँ पे आईडी सही था और प्रोडक्ट नेम, ये दो चीज़ सही थे, बट उसके बाद क्या थ्री पे होगा आपका आई पावर, पर हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, यहाँ पे हम वन इंडेक्स वैल्यू वन वन वन, तो हो क्या रहा है वन पे है प्रोडक्ट का नाम, तो प्रोडक्ट का नाम टेक्स्ट बॉक्स वन में भी डिस्प्ले, टेक्स्ट बॉक्स टू में भी डिस्प्ले हो रहा है, थ्री में, फाइव सिक्स सेवन, तो सब में क्या वन वन है, इस वजह से सब में प्रोडक्ट का जो नाम है वो डिस्प्ले हो रहा है। तो हमें यहाँ पे करना क्या है एक्चुअली, ये आपको करना है टू, ये आपको करना है थ्री, और ये आपको करना है नंबर फोर, और इसे आपको करना है नंबर फाइव। तो जीरो से फाइव टोटल सिक्स रिकॉर्ड आपको इसे यहाँ पे सेव कर लेना है। तो ये उस टाइम पे हमने इसे ध्यान नहीं दिया, बट मिस्टेक यही था, और आपको इसे सेव कर लेना है। अब ज़रा सा आप इसे अगर एक बार रन करके देखोगे तो यहाँ पे प्रॉपर जो वैल्यू हो वो आपको सही तरीके से यहाँ से डिस्प्ले की जाएगी। ओके, अब हम आ चुके हैं यहाँ पे और एडिट पे आ गए। अब जैसे आप यहाँ पर क्लिक करोगे तो अब आप यहाँ पर देख सकते हो जो प्रोडक्ट का आईडी है, प्रोडक्ट के आईडी, जो प्रोडक्ट का नेम है यहाँ पे नेम, जो आई पावर का रिकॉर्ड है यहाँ पे आई पावर, ग्लास टाइप यहाँ पे आपको ग्लास टाइप की वैल्यू, ठीक है, तो सारी वैल्यू आपको प्रॉपर यहाँ पे दिखाई दे रही है। अब यहाँ पे एक चीज़ और यहाँ पे होना चाहिए, जब आप कोई रिकॉर्ड अपडेट या डिलीट करोगे, तो जब भी आप इसे अपडेट या डिलीट करोगे आपके पास एक मैसेज बॉक्स डिस्प्ले होगा कि रिकॉर्ड अपडेटेड या डिलीटेड सक्सेसफुली, उसके बाद सारे कंट्रोल एम्प्टी हो जाने चाहिए एंड ये जो ग्रिड व्यू है फिर से आपको ग्रिड व्यू को रिफ्रेश करना है। तो उस केस में आपको करना क्या है, हम अब यहाँ पे ये आपका अपडेट है, तो हो क्या रहा है यहाँ पे जब आपका रिकॉर्ड अपडेट हो जाएगा तो आपने एक प्रोसीजर बनाया था, उसका नाम था गेट डेटा नाम से। ये जो प्रोसीजर है इसकी हेल्प से आप ग्रिड व्यू में वैल्यू को आप डिस्प्ले करोगे। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे अपडेट, ये जो है अपडेट का कोड, यहाँ पे जब आपके पास ये मैसेज आए उसके बाद हो क्या, गेट डेटा जो प्रोसीजर है ये कॉल हो, और उसके बाद ताकि आपका जो ग्रिड व्यू है वो फिर से रिफ्रेश हो जाए। और सेम यही टास्क जो है आपको डिलीट बटन पे करना है। तो जब हम कोई भी रिकॉर्ड यहाँ पे करेंगे डिलीट, आपको जब मैसेज मिलेगा रिकॉर्ड सक्सेसफुली डिलीटेड, तो हम क्या करेंगे यहाँ पर, आपको क्या करना है, जो गेट रिकॉर्ड है आपको इसे फिर से क्या करना है, प्रोसीजर जो है उसे इसे फिर से यहाँ पे रन करेंगे। उसके बाद आपको जो सी एल आर करके एक प्रोसीजर आपने क्रिएट किया था सारे कंट्रोल को इम्पटी करने का, तो वो भी हम यहाँ पर रन करेंगे, और ये सी एल आर आप जब अपडेट करोगे तब भी आपको यहाँ पर रन करना होगा। ठीक है, तो होगा क्या, यहाँ पे आपको सी एल आर को भी यहाँ पे रन करना होगा। ठीक है, तो कंट्रोल इम्पटी हो जाए, फिर से आपका डेटाबेस जो है वो रिफ्रेश हो जाए। अब आप इसे जब रन करोगे तब आपको प्रॉपर तरीके से यहाँ पे जो रिकॉर्ड होंगे वो आपको यहाँ पे डिस्प्ले किए जाएंगे, और सही तरीके से एक सॉफ्टवेयर जैसा फील यहाँ पर आपको मिलेगा। सो गाइज, यहाँ पर हम एक प्रोडक्ट ऐड करेंगे, तो दिस इज़ प्रोडक्ट आईडी टू, और इसका जो नाम होगा ये हम दे देते हैं ये हो जाएगा करीब 2500 रुपये का, और हम इसे यहाँ पे ऐड करेंगे, रिकॉर्ड ऐड सक्सेसफुली, नया रिकॉर्ड, यस। अब यहाँ पे हम इसे ऐसे ऐड कर लिया, अब एक और प्रोडक्ट यहाँ से हम ऐड कर लेते हैं।
यहाँ पे कैंसिल कर देते हैं। अब हम जरा सा चलते हैं एडिट प्रोडक्ट में, यहाँ पर आ जाते हैं। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे टोटल आपको 5 रिकॉर्ड जो हैं वो यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएंगे। तो ये सारे रिकॉर्ड हैं जिन्हें आप अपडेट, इंसर्ट, डिलीट जो भी आप चाहें आप यहाँ से कर सकते हैं। और इसी के साथ ये जो वीडियो है मैं यहीं पर इसे फिनिश करता हूँ। तो जो नेक्स्ट वीडियो जो होगी उस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि कैसे आपको डॉक्टर को ऐड करना है, एडिट करना है। तो देखिए जिस तरीके से हम कस्टमर को ऐड कर रहे थे, अगर आपको याद हो कस्टमर को ऐड कर रहे थे, तो ऐसा ही हम एक फॉर्म बनाएंगे और उसका जो कोड होगा तो इन्हीं कस्टमर और प्रोडक्ट, इन्हीं दोनों फॉर्म के बीच में जो भी मैंने कोड यहाँ पर ऐड किए वो सारे कोड हम यहाँ पर अप्लाई करेंगे। तो आपको आपको यहाँ पर टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। अब मैं डॉक्टर का जो फॉर्म होगा इसे मैं फटाफट क्रिएट करूंगा, एक वीडियो में दोनों ऐड और अब एडिट दोनों में काम कर दूंगा। और फिर उसके बाद मैं आपको सेल पे चलेंगे, तो सेल पे क्या क्या टास्क होगा वो मैं आपको बताऊंगा डिटेल में। तो मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।